कैमरा ऑन करें, बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें, सो वी कैन लुक एट, वी कैन सी इच अदर। हाँ आवाज आ रही है तो कैमरा भी ऑन करें। हाँ तो वेलकम सचिन, वेलकम रमेश चड्डा, वेलकम इंद्रजीत, वेलकम चेतन काले, हाँ दिगंबर महाजन। हाँ लाइट नहीं है, ओ सो सॉरी। वेलकम समीर रावत, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर सरनेम करेक्टली, राउत। वेलकम निखिल, एक रावत भी होता है, सो कंफ्यूजन हो जाती होगी, आई एम श्योर यू आर यूज टू इट। वेलकम लता, वेलकम सदानंद, वेलकम रमेश चंद्र मौर्या। हाँ मैं नाम ले रहा हूँ तो लोगों के कैमरास भी ऑन हो रहे हैं, तो जरा ऑन करेंगे। हाँ सो या मोर पीपल, संतोष वर्मा, सागर पाटिल। अब मैं नाम तो सबके नहीं लूंगा जिनके जो कनेक्टेड हैं ऑन करें, पूजा अग्रवाल। सिस्टम कैम नॉट वर्किंग, सो बिफोर द कोर्स प्लीज डू इंश्योर दैट योर सिस्टम कैम इज वर्किंग। ऑनलाइन क्लास है। ऑलराइट सो वी विल स्टार्ट द वेबिनार, हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार, मेरा नाम नवनीत है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेबिनार। ओके ये एक इंफॉर्मेशन वेबिनार है, दिस इज अन इंट्रो वेबिनार अबाउट एन ऑनलाइन कोर्स कुंभक थेरेपी फॉर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट इश्यूज। सो कितने लोग ब्लड प्रेशर से परेशान हैं? कितने लोग हार्ट डिजीज को लेकर परेशान हैं, जूझ रहे हैं कि पूरी जिंदगी दवाई लेनी है? हाँ कुछ का शायद स्टेंट भी डल गए होंगे, कुछ के सर्जरी भी हुई होगी। ओके सो दिस इज द सो कॉल्ड बैड न्यूज कि एक प्रॉब्लम आ गई है, अंदर आ गई है और उससे बाहर आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर हियर, यस और नो? इसीलिए आप यहाँ पर हैं। हाँ सो गुड न्यूज इज आप इससे बाहर आ सकते हैं, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो शॉर्टकट। ओके सो हाउ शैल वी स्टार्ट, हाउ शैल वी स्टार्ट? सो जिनके कैमराज ऑन है, कैन वी स्टार्ट विद अ लिटिल स्माइल विदाउट अ रीजन? हाँ या बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, बंगला चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, वो हम आपको नहीं दे सकते। ओके बट वी विल टेल यू अबाउट अ प्रोग्राम दैट यू कैन ज्वाइन एंड लेटर ऑन स्लोली स्टेडिली इम्प्रूव योर बॉडीज स्ट्रेंथ, वेदर इट इज टू फाइट बीपी और लो बीपी एंड इवन फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, वेदर दोज आर ब्लॉकेजेस, एट्रियल फिब्रिलेशन, LVH, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बड़े बड़े शब्दों में बताए जाते हैं, इसको सुन के ही दिल बैठ जाता है या और घबराहट हो जाती है। यस कि ये क्या बता दिया है। सेकेंडली थोड़ा सा सीधा बैठेंगे, हाँ बैक रेस्ट के बिना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी थोड़ी देर में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो जो खाली पेट करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी टेक अ बिट ऑफ योर स्क्रीन टाइम, आई बिलीव पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन। सो कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? हाँ यू कैन सी माई स्क्रीन, यस ओके। सो ये इंट्रो वेबिनार, ये इंट्रोडक्टरी वेबिनार किसके बारे में है? दिस इज फॉर कुंभक थेरेपी फॉर रिवर्सिंग बीपी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये अपने प्रकार का एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नमक कम कम कर करके बेचारे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जिसमें कोई गैजेट्स या वो नहीं है कि हर समय सुबह शाम दोपहर को बीपी नापते रहें। नो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। ओके सो फर्स्ट अ बिट अबाउट, तो वेबिनार कितना लंबा रहेगा? द वेबिनार लेंथ इज अबाउट 90 मिनट्स। ओके सो वी विल गिव यू इंफॉर्मेशन कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। दूसरा ये भी, इसको भी टटोलेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों इतने सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को यंग एज में ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज आ रहे हैं और सोल्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है। आई विल टेल यू अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ द कोर्स, हाउ द कोर्स विल अनफोल्ड
एंड लेटर ऑन वी विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पूरे समय यहाँ प्रेजेंट रहिएगा। मैं तो कैमरा ऑन करने को बोल रहा हूँ, पर कैमरा ऑन कैमरा के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी खुला रखेंगे, बिकॉज एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, सो यू नीड टू ऑल्सो लुक एट एन ऑल्टर वे, नॉट वे ऑफ एड्रेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अभी सभी लोग सिर्फ लेवल्स और मार्कर्स को लेकर परेशान रहते हैं, जबकि सॉल्यूशन अगर है तो लेवल्स और मार्कर्स में नहीं है, कहीं और है। ओके, सो हु आर वी? वी आर अस्तिका वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, वी आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR, our services are online, over 10,000 people, actually now 15,000 people or more have been touched with our services. So we conduct various online courses, hum bahut sare online courses chalate hain aur ye 2019 se chala rahe hain. So we have courses for reversal of diabetic problem, thyroid problem, cancer problems, respiratory ailment problem. Ye jo webinar hai, this webinar is focused on BP and heart issues. Okay, we are also registered in Startup India. All our programs are designed by Swami Raj Vibhu. Okay, so थोड़ा आगे चलते हैं। So ज्यादातर लोगों को जब कोई प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर के पास गए या किसी रेगुलर टेस्ट के लिए गए तो पता चला भाई बीपी हाई है, बीपी लो है। Some people have also been tagged as irregular pulse है, हार्ट रेट ठीक नहीं है, कईयों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है जो अक्सर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाती है, कैड है, एंजाइना है, वॉल्व स्टेनोसिस है, मित्रल वॉल्व, अरिथमिया, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लॉकेजेस, इजेक्शन फ्रैक्शन, LVH, LVP जो दूसरी कैटेगरीज हैं, हार्ट से ज्यादा रिलेटेड हैं। तो सभी के मन में क्या रहता है कि एक तो फियर ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सर्जरी, राइट, और दूसरा आपके एक्सपीरियंस में क्या है, ये सब आपके एक्सपीरियंस में भी है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कोई भी काम करते हैं तो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर लोगों को सांस चढ़ जाती है, चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, चेस्ट पेन्स भी होते हैं, स्वेटिंग होती है, एनर्जी लो रहती है, पैल्पिटेशंस भी होते हैं, हाथ पैर वीक लगते हैं, कई लोगों को हाई पल्स रेट है, स्लीप इश्यूज हैं, एंग्जाइटी, गिडिनेस, कोल्ड स्वेट्स। हाँ, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो टेस्ट में होता है, वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं होता है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन योर एक्सपीरियंस। तो सॉल्व क्या करनी है, ये वाली प्रॉब्लम्स। ओके, सो एक पोल लॉन्च करते हैं, वी लॉन्च अ शॉर्ट पोल टू नो अ बिट अबाउट व्हाट ऑल आर पीपल सफरिंग फ्रॉम। कैन वी हैव अ लिटिल पोल प्लीज? यस, तो आप सामने देखेंगे एक पोल आ रहा है, मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस पोल। ओके, कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, एथरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मित्रल वॉल प्रोलैप्स, आयोटिक स्टेनोसिस, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लॉकेजेस। ओके, सो और आपने क्या क्या ट्राई किया, व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड? नेचुरली मेनी पीपल वुड हैव ट्राइड फॉर एलोपैथी और सर्जरी हुआ होगा, दे मस्ट हैव बीन पुट इन अ कंडीशन कि भैया आप तो सर्जरी करानी पड़ेगी। पीपल वुड हैव आल्सो ट्राइड आयुर्वेदा, एक्सरसाइज, डाइट, योगा, प्राणायाम, ये सब आपने ट्राई किया है। ये जो लिस्ट है, हो सकता है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने नहीं एक्सपीरियंस की हो या आपको डायग्नोज ना किया गया हो, दैट इज ओके। But if I look at it, majority of people have reported high blood pressure, hypertension. Okay, then followed by coronary artery disease, and then there is also people who are suffering from blockages, tachycardia, bradycardia, okay, atherosclerosis. Some people have also said, okay, so low blood pressure also. So somebody saying cancer. So if you are here for cancer, you will need to talk to us separately. Yeah, if I am able to get your chat correctly, Pramodini. Okay, so that is, we have a separate program, separate approach for that. This webinar, like I said, is focused on blood pressure and heart problems. Okay, so thank you so much for participating in the poll.
All right, so now let's take the webinar forward. So, sabse So Pramodini ji, please leave your number. We will need to talk to you separately. All right, our cancer program is different. Okay. So BP fluctuation, ये भी काफी लोगों को होता है. Fluctuation में ऐसा नहीं है कि BP सुबह इतना था, शाम को इतना हो गया. BP fluctuate होता है, तो आपको अजीब सा लगता है. That is BP fluctuation. Okay. Yeah. LVB भी है. All right. So a lot of issues over here. Okay. So let's take it forward. तो अब आगे चलते हैं इसी को लेके. So like I said, आप किस लिए हैं यहाँ पे? You want to come out of these problems, huh? BP or heart. You want to come out of medicine, yes, and you don't know how. तो इसीलिए ये webinar है कि आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताएं जो आप ये कर सकते हैं. तो वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट आगे चलने का वो क्या है? हमारी सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मतलब जिन 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 लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस प्रॉब्लम क्या है वो तो समझे. अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. आप अंधेरे में तीर मार रहे होंगे, जैसा कि काफी लोग ऑलरेडी बेचारे परेशान होंगे बीपी लेवल नीचे ला ला के एक्सरसाइज कर करके. ओके. ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कुंभक, ये कुंभक क्या है, कैसे काम करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो छोटे शब्दों में बोलेंगे तो यथा बलम तथा निदान, मतलब कुंभक आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है. तो इसी को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझेंगे. हाँ, तो कैमराज ऑन करेंगे, कैमराज ऑन करेंगे सभी लोग. ओके, कैमराज ऑन करेंगे. तो सबसे पहले क्या है, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, योगा करते हैं, ये कुछ भी करते हैं, क्या उसमें एफर्ट लगता है? गिव मी अ थम्स अप. है ना, कुछ भी करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, हाँ, तो उसमें एफर्ट लगता है. उस एफर्ट लगाने के लिए एक बल चाहिए, जिस जो बल ऐसा होना चाहिए जिससे आप डिस्टर्ब ना हो. यस, है ना, काफी लोग बल नहीं लगा पाते इसलिए सांस चढ़ जाता है, हाँ, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, हाँ. सो ये बल चाहिए, उस बल को बोलते हैं कुंभक. काफी लोगों ने कुंभक जो शब्द है वो योगा कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ओके, तो हम रेचक, पुरायक, प्राणायाम, इन सब की बातें नहीं कर रहे हैं. प्लीज गेट इट वेरी वेरी क्लियर. आई एम टॉकिंग अबाउट जो एवरीडे आप यूज करते हैं, तो जो कुंभक आप एवरीडे यूज करते हैं, तो हर एक्टिविटी में आप एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट के पीछे बल चाहिए होता है, उस बल को बोलते हैं कुंभक. ओके, अभी मैं सबको उठने को बोलूं, सीट से खड़े होने को बोलूं, तो काफी लोगों की आवाज आएगी, आप देखेंगे कि आपको उठने के लिए सांस रोकनी पड़ती है. दिस इज हाउ यू एक्सपीरियंस दैट बल, यस और नो? मैं बोलूं मेरी उंगली पर फोकस करें, मेरी उंगली पर फोकस करेंगे, हाँ, तो जितना फोकस करने की कोशिश करेंगे आपकी सांस स्लो होती जाएगी, रुक जाएगी. मेरी उंगली पर, अपनी उंगली पर आसिम नहीं, मेरी उंगली पर कर ले तो अच्छा रहेगा, आप निप पे भी कर सकते हैं. ओके, सो ये आपकी वो है. सिमिलरली जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन्हें फंक्शन करने के लिए, चलने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, यस और नो? है ना भाई, हार्ट पंपिंग स्ट्रेंथ चाहिए, ब्लड को फ्लो करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो इस्कीमिया हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कई लोगों को तो बेचारों को प्रेशर ही नहीं बन पाता है, तो लो बीपी भी रहता है. तो ऑर्गन्स को और स्ट्रेंथ को काम करने के लिए भी एक बल चाहिए, हाँ, एक एफर्ट लगाने की एबिलिटी चाहिए, उस बल को कुंभक बोलते हैं. ओके, एनर्जी तो आएगी, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा, हाँ, यही बोल रहे हैं, अपना थोड़ा सा आइडिया साइड में रखेंगे, हम वो बात कर रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस में है. तो फिर दूसरा सवाल काफी लोगों को ये आता है कि कुंभक करते कैसे हैं, हाँ, कुंभक करते कैसे हैं? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ, थोड़ी सबकी नींद गायब कराते हैं. कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए. तो एक प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्या करना है, एक तो ये, अगर किसी ने अभी अभी खाना खाया, इफ समबडी जस्ट हैड फूड, वो ना करें, वो एक ना करेंगे, वो नहीं करेंगे. ओके, ये एक डेमो प्रैक्टिस है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. तो कुंभक आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं. बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं,
हम बोलते हैं कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कुंभक जो खड़े होके भी किए जाते हैं, बैठ के भी किए जाते हैं, लेट के भी किए जाते हैं। ओके, सिर्फ डिपेंड करता है हम उससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कुंभक है जिसको हम बोलते हैं रुद्रव्यान कुंभक, रुद्रव्यान कुंभक। ओके, तो ये कैसे करते हैं? प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई विल स्पीक, ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, बट ओके। सो हाउ टू डू दिस? सो इसमें देर आर टू थ्री एलिमेंट्स। नंबर वन एलिमेंट इज यू हैव टू टेंस योर बॉडी। आपको अपने शरीर को थोड़ा टेंस करना है। हाउ डू यू टेंस योर बॉडी? अपने शरीर को कैसे टेंस करते हैं? सो आई विल गिव यू थ्री ट्रिगर पॉइंट्स। मैं आपको तीन ट्रिगर पॉइंट बोल देता हूँ। पहले वो करेंगे, थोड़ा सा जबड़ों को टेंस करेंगे। हाँ, यू विल टेंस योर जॉज। दूसरा, मेक फिस्ट विद योर हैंड एंड टाइटन देम। यू कैन प्लेस दीज हैंड्स ऑन योर थाइज, अपनी जांघों पे रख सकते हैं। तीसरा, जो आपके पंजे हैं, जो टोज हैं, उन्हें स्क्वीज करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ेंगे। करके देखें जरा, पहले तो टेंस करके देखते हैं। सो जस्ट टेंस योर बॉडी। अपने हाथ जमीन पे पैरों पे रख सकते हैं। टेंस योर जॉज, टेंस योर हैंड्स एंड टेंस योर टोज। ना रिलैक्स, नहीं, बार बार नहीं करना है। मैंने बार बार तो नहीं करने को बोला दिगंबर महाजन जी, मैंने तो बोला टेंस करके रखना है। सो मैं आपको क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं, हम आपको देखते हैं कि कौन कैसे कर रहा है। हाँ, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि सब लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, आधे लोग होंगे कैमराज ही ऑफ है। सो फर्स्ट पार्ट इज यू नो, यू शुड नो हाउ टू टेंस योर बॉडी। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज डन। नाउ नाउ इट ऑल्सो इन्वॉल्व इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। इसमें सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सेल करेंगे। ओके, कितने का इनहेल करेंगे? चार की गिनती का इनहेल करेंगे। कितने का होल्ड करेंगे? 16 की गिनती का होल्ड करेंगे। हाँ, हाउ मच टू होल्ड फॉर? 16 काउंट्स। देन हाउ मच टू एक्सेल फॉर? 8 काउंट्स। नाउ नाउ मेनी ऑफ यू माइट थिंक, अरे आई कैन नॉट होल्ड फॉर 16 काउंट्स। यस, सम पीपल विल से, और सुन के ही लग रहा है भाई इतना लंबा कौन होल्ड करेगा। ऑलराइट, सो नहीं, ऐसे नहीं करना है। सो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, यू विल लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन एंड डू इट। सो यू इनहेल फुली, सांस पूरा लेंगे होल्ड चार की गिनती का, यू विल होल्ड इट। हाँ, यू विल इनहेल फुली फॉर काउंट ऑफ फोर, होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 16। नाउ इफ यू कांट होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 16, अगर आप 10 तक ही रोक पाते हैं, इफ यू कैन। ये रमेश जी, आप जो खाना खा रहे हैं, आप नहीं करेंगे ये? ठीक है, ये खाली पेट होता है। होल्डिंग ब्रेथ इज फॉरबिडन फॉर हाई बीपी। जब डर लगता है तो बीपी वाले का सबसे पहले सांस रुकता है। ओके, तो बीपी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, सो ये आइडियाज हैं कहीं से। अरे आपका सांस वैसे ही रुकता है, जब भी कोई एक्टिविटी करते हो उसके बिना आप सांस करें आप ले ही नहीं सकते हो। सो वी विल एक्सप्लोर दिस थिंग्स फर्दर। अच्छा, 16 की गिनती का साउंड, सांस होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो कितना, जितना आप कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे, वेदर इट इज फॉर 8 काउंट्स, वेदर इट इज फॉर 10 काउंट्स, 12 काउंट्स। ओके, एंड देन व्हेन यू एक्सहेल, इफ यू कांट एक्सहेल फॉर अ काउंट ऑफ 8, तो हाउ विल यू एक्सहेल? यू एक्सहेल स्लोली सो दैट इट इज इन योर कंट्रोल। एक्सहेल शुड बी इन योर कंट्रोल। ओके, सो करें, शैल वी डू? फर्स्ट वी विल टेंस आवर बॉडी। ओके, देन वी विल इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। सो लाइक आई टोल्ड यू, मेक फिस्ट विद योर हैंड, अपने हाथों से मुट्ठी बनाए, पैरों पे रखें। हाँ, टेंस योर टोज, टेंस योर जॉ स्लाइटली, थोड़ा सा हल्के से करना है। नाउ इनहेल फुली विद योर नोज, 4 3 2 1, होल्ड योर ब्रेथ, 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक्सहेल स्लोली इन कंट्रोल, 8 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल एंड रिलैक्स। ओके, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ वेरियस प्रैक्टिसेस आर डन। ये अलग अलग होता है। सो रुद्रव्यान इज पार्ट ऑफ
वन ऑफ द प्रैक्टिसेस व्यान कुंभक्स। तो व्यान एक फैक्टर होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वी विल टॉक अबाउट व्यान। व्यान इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फंक्शन। ओके, तो अभी हम विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन द प्रैक्टिस, वी विल मूव अहेड एंड डू इट। सो ये थोड़ा सा मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ। पीपल विद एस्थमा, पीपल विद हाई बीपी, पीपल विद लो बीपी, पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम्स, दे कैन डू कुंभक। तो ये ब्रेथ होल्ड रोकने का, रिकॉर्ड बनाने का तरीका नहीं है। यू हैव टू डू इट एज पर योर कैपेसिटी एंड यू हैव टू स्लोली इंक्रीज योर कैपेसिटी। हाँ, तो हाई बीपी वालों को तो ये भी बोलते हैं ज्यादा हैवी काम ना करो, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है अभी। But if you build your capacity, then you will be able to do any heavy work also. It will take a little time. It will happen slowly. All right? नहीं तो बेड पे बैठ जाइए भैया, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, दवाई लेते रहो, है ना। तो थोड़ा सा अपना वो खोलेंगे। So we'll proceed ahead. So one person, अब जैसे कुंभक थेरेपी आपको बताया, इसी तरह बहुत सारे प्रकार के कुंभक होते हैं। So who's the person who has devised and or in rather invented kumbhak? Okay, that person is Swami Raj Vibhu. Okay, he has invested his life in understanding human mechanics. Aur usi se pata chala bhai har koi kumbhak istemal karta hai. And he has designed kumbhak therapy. He is also an expert on root cause determination and customized solution. Root cause determination or customized solution ek bahut important cheez hai. मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई और मेरा तो सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं है, किसी का सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं है। एवरीवन नीड्स अ डिफरेंट कस्टमाइज्ड अप्रोच फॉर देयर एलिमेंट्स। ओके, सो हिज मेथड्स हैव हेल्प मेनी पीपल इन ट्रीटिंग मेडिकली अनट्रीटेबल प्रॉब्लम्स आल्सो। हिज डिजाइन मेनी प्रोग्राम्स, सम ऑफ व्हिच वी हैव शेयर्ड विद यू। देयर आर आल्सो प्रोग्राम्स फॉर न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल इश्यूज, नेचुरल कंसेप्शन। हिज आल्सो वर्किंग अ लॉट ऑन रिवाइविंग Ayurveda and Siddha traditions, which have been part of our culture, which actually are able to specify why the problem is happening. So over the next 18 minutes, 20 minutes or so, okay, what we will do, we will listen to Swamiji tell us about blood pressure problems, problem kahan par hai, and secondly about heart issues. So and then what can be done. So keep your cameras on, keep your minds open. Are you with me? Are you with me? Patience chahiye, commitment chahiye, uske bina kuch kaam nahi chalega. Agar kisi ko lag raha hai ki bina kaam kiye, bina patience ke wo kal subah problem se bahar aa jayenge, ye wo nahi hai. So we'll listen to him and then we will take the webinar forward. We will also share experiences of people who have done the program. Okay, one of them is me. Okay, so बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, सबकी दवाइयाँ छोड़ चुके हैं मैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, तो हम तो करके छोड़ भी चुके हैं दवाइयाँ। ऑलराइट, सो वी विल लिसन टू स्वामी जी नाउ, बी विद मी। Now the modern research says blood pressure, blood doesn't have a pressure. It cannot create a vertical pressure because a laminar flow cannot create a vertical pressure. This is simple law in fluid dynamics, in physics. Physics mein fluid dynamics mein law hai, laminar flow cannot create a vertical pressure. So modern research says there is nothing called as blood pressure, but we'll not go into it because your mind has been ट्रेन इन टू समथिंग एल्स। आपको नैरेटिव जो आपके दिमाग में डाला गया है वो कुछ और। सो देर हैज टू बी ए मेंटेनिंग फोर्स, एक मेंटेनिंग फोर्स होना चाहिए। देन ओनली द शेप ऑफ अ सेल ऑफ समथिंग विल रिमेन इन अ पर्टिकुलर मैनर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के लिए वो शेप को बरकरार रखना, मेंटेन कर कर। दिस मेंटेनिंग समथिंग, द फोर्स विच मेंटेन समथिंग इज कॉल्ड एज ज्ञान। ठीक है, हम इसका नामकरण भी करते जा रहे हैं। ये दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो आई एम जस्ट कोरिलेटिंग इट सो दैट यू अंडरस्टैंड। ज्ञान
Vyana maintains a shape. Vyana also maintains the shape by maintaining the pressure within. ठीक है, शेप कैसे मेंटेन होगा, तो प्रेशर आप बैलेंस कर पाओगे, ऑल द प्रेशर इफ यू आर एबल टू बैलेंस. सो मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर विद इन, व्याना डज दैट एंड दैट्स हाउ इट मेंटेन्स द शेप. नाउ दिस ऑल्सो हैज अ प्रिजर्वेटिव नेचर, प्रिजर्विंग समथिंग, प्रिजर्विंग अ शेप, प्रिजर्विंग अ क्वालिटी. सो वॉट इज व्याना, अ मेंटेनेंस फैक्टर और अ प्रिजर्वेटिव फैक्टर, राइट? इतना समझ लिया आपने. नाउ लेट्स कम टू ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर का सिम्टम क्या है, वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू द सिम्टम एंड विल गो बैक. व्हाट आर द सिम्टम, आप जानते हैं ना, ये पीछे भारी लगता, यू फील हेवी इन द बैक साइड ऑफ योर हेड. ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये होता, इजंट इट? What is that which you feel heavy? What is that zone? It is called as hypothalamus. Hypothalamus may heavy lagta. That means there is some disturbance there. So let's understand what hypothalamus does. Hypothalamus karta kya? It controls your autonomic nervous system. Autonomic nervous system aapko control karta. Then what else? It maintains the balance of the body, or it controls homeostasis. Homeostasis ka matlab the balance of health factors. So, or we can also call it as survival parameter, stabilizing of survival parameter. Survival parameter ka stabilize kar, again balancing it. थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस का तीसरा काम थर्मोरेगुलेशन, अगेन बैलेंस ऑफ टेम्परेचर. इट कंट्रोल्स योर हंगर, बैलेंस ऑफ हंगर, राइट? इट कंट्रोल्स द इमोशंस, बैलेंस ऑफ इमोशंस. इट कंट्रोल्स इट और मेंटेन्स द हॉर्मोनल बैलेंस. व्हेन वी सी ऑल दीज फैक्टर्स, it is balance, 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 or maintenance. Balancing or maintenance. So, kya kamzor ho gaya? What has become weak? The balancing factor, or the regulating factor, the maintaining factor. जो मेंटेनेंस वाला फैक्टर कमजोर हो गया, तो इसको क्या हमने बोला था, व्हाट इज दैट मेंटेनिंग फैक्टर, इट इज कॉल्ड एज व्यान, द व्यान पक्ष ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो व्हाट हैज बिकम वीक, व्यान. किसी और टर्म्स में समझते हैं, किसी और टर्म्स में, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ मोर रिलेटेबल टर्म. सो व्हाट हैज बिकम वीक, द एबिलिटी टू रिलैक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, दिस इज अगेन अ मेंटेनेंस और बैलेंसिंग फैक्टर, द एबिलिटी टू रिलैक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इफ यू इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू रिलैक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम. सो इफ यू डिफाइन हार्ट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, अगर हार्ट को हम कार्यकलाप के तौर पे डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन बनेगा, सम लय बल. प्लीज अंडरस्टैंड, फोकस अ लिटिल बिट, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड इनटू इट. आपको जो ट्रेनिंग मिली है ना, वो अलग मिली हुई है, तो जब तक आप फोकस नहीं करेंगे ना, तब ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आ गई तो आप निकल जाएंगे, प्रॉब्लम से निकल जाएंगे. सम लय बल, व्हाट इज इट मीन, व्हाट डज दैट मीन, रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हार्ट का यही काम है ना, एक लय में काम करता है और उसके अंदर ताकत होती है चीजों को, ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने की,
रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही है ना आपका हार्ट? ये सुनो, आप सभी जानते हैं ना, यू ऑल नो दिस, है ना, सम लय बल। इसको अगर हम इफ यू डिफाइन इट इन संस्कृत तो ये सम लय बल डेफिनेशन बनेगा, रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट बाइफर्केट इट इनटू थ्री मेजर कॉजेज, तीन कारण हार्ट डिजीज के बता रहा हूं, और जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं उस तरीके से सोल्यूशन है, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं उसमें सोल्यूशन नहीं है। सो द वे आई डिफाइन हार्ट डिजीज, देर इज अ सोल्यूशन टू इट। सो रिदम, लेट्स स्टार्ट विथ रिदम। जैसे मैंने बताया रिदम खराब हो गया हार्ट का, अरिदमिया, है ना, फ्लटर, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, रिदम खराब हो गया ना, पल्स रेट रेट गड़बड़ हो रही है, रिदम लय गड़बड़ हो गया ना, लय गड़बड़ हो गया। और भी कहते हैं बंडल, ब्रांच, ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, है ना, बंडल, ब्रांच, ब्लॉक। हार्ट का पल, हार्ट जिस तरीके से बीट करता है इरेगुलर है, ईसीजी में इरेगुलर हार्ट बीट आ रहा, एक पार्ट आ गया रिदम में नहीं है, योर द फंक्शन ऑफ हार्ट इज नॉट इन रिदम, लय में नहीं है, ठीक है। पहला आ गया रिदम, दूसरा नाउ कम टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अगर कमजोर हो जाएगी द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप, तो क्या होगा, हार्ट फेलियर, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, दो अलग अलग चीजें होती है। इफ द हार्ट डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू पंप, अगर उसमें शक्ति नहीं है तो हार्ट फेलियर होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। This is what you have heard, आपने सुना है ना, मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कितना हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, आगे ले जा रहा है। वैसे हार्ट पंप नहीं करता, मगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है, इसलिए दैट इज वाई आई एम सेइंग पंपिंग। सो इजेक्शन फ्रैक्शन, कितना ब्लड जा रहा है इसके बाहर, वो गड़बड़ है, दैट इज इश्यू। 35%, 40%, 50%। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी हार्ट का एक हिस्सा जो है वो सूज गया है, किसी ने बोला सूजन है हार्ट में। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मसल सूज गया है, मोटा हो गया वहां पे, अब वो पंपिंग एक्शन, द पंपिंग एक्शन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, ठीक से नहीं हो पा रहा। कंजेस्टिव वैस्कुलर डिजीज, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेजेस आ गए हैं, कंजेस्टिव वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। ये सब हार्ट के स्ट्रेंथ कम होने की वजह से होता है। मसल, द मसल इज अ मेजर थिंग इन एग्जिबिटिंग द स्ट्रेंथ, वो मसल की वजह से होता है। अच्छा, और भी चीज आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है हार्ट के, विद इन हार्ट देर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, तो क्या आएगा, इश्कीमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेन होता है ना, कहते हैं एंजाइना, दर्द हो रहा, क्योंकि हार्ट के एक मसल में खून नहीं पहुंच रहा, ब्लड इज नॉट गेटिंग सप्लाई टू अ सर्टन रीजन ऑफ हार्ट, इश्कीमिक हार्ट डिजीज, देन हार्ट अटैक हैपेंस, उसकी वजह से हार्ट अटैक होगा। और भी कुछ चीजें हैं लाइक aortic स्टेनोसिस, वाल्व स्टेनोसिस, आउटा जो मेजर हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है वो मोटा, वो हार्ड हो गया है, वाल्व हार्ड हो गए हैं, ठीक से बंद खुल नहीं पा रहे, रिगर्जिडेशन ऐसा कुछ बोलते हैं कि वापस बैक फ्लो हो रहा है। तीन चीजें बताया मैंने, रिदम, स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे हार्ट डिजीज इसी के अंदर आ जाते हैं। तीन कैटेगरी, रिदम, स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी इसी के अंदर आ जाता है। एंड देयर देन हार्ट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, हार्ट एक मेजर वाइटल ऑर्गन है, तो ये किसी और की प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम में आ जाता है, इट कैन गेट इनटू अ प्रॉब्लम बिकॉज योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग वेल, ऐसा हो सकता है।
योर लंग्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स में अगर गड़बड़ है तो हार्ट को लोड आएगा, योर हार्ट विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ लोड. पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पांव में जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं वो वहां पे फ्लो ठीक नहीं है, द फ्लो इज नॉट प्रॉपर, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. और क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस ज्यादा है, क्या होगा? सेरोटोनिन नहीं बन रहा साहब, एंडोर्फिन नहीं बन रहा साहब, ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा साहब आपके बॉडी में, कॉर्टिसोल की कमी है या डोपामिन ठीक से नहीं बन रहा, ऐसा बोला जाता. तो बाहर से दे दो डोपामिन. प्रॉब्लम क्या है? योर बॉडीज एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर ऑल दोज हॉर्मोन्स, आपके शरीर की काबिलियत उसको बनाने की कम हो गई है. बाहर से देने तो ठीक, देने से ठीक नहीं होगा, आपकी शरीर की काबिलियत बन जाएगी क्या? व्हीलचेयर पे बैठने से पांव मजबूत हो जाते हैं क्या? बाहर से विटामिन डेफिशिएंसी, नाउ विटामिन देने से आपके शरीर की विटामिन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ जाती है क्या? आप ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं रहे, यू आर जस्ट ट्राइंग टू सप्लाई द बॉडी व्हाट इट इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब. तो अब्सॉर्बिंग स्ट्रेंथ आप बढ़ा नहीं रहे. देन कम्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इफ यू हैव थायराइड, इफ यू हैव डायबिटीज, इफ यू हैव अदर क्रॉनिक एलिमेंट्स, रूमेटाइड, ऐसा करके कुछ और चीजें हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, देन ऑल्सो योर हार्ट विल टेक द लोड, उसको भी जोर आएगा. तो तीन हार्ट का प्रॉब्लम बताया, देन बाकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट में इश्यू आएगा? और एक एग्जांपल, आप ध्यान नहीं दे रहे, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर? कॉमन सिम्टम क्या है सारे हार्ट डिजीज, अलग अलग ग्रीक और रोमन शब्द बोल लीजिए, या फिर ब्लड प्रेशर, जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है, व्हेनेवर यू पुश योरसेल्फ, व्हेनेवर यू मेक एफर्ट यू फील ब्रेथलेसनेस, एफर्टफुल ब्रीदिंग होता है, सांस फूलती है ना. द मेजर, द कॉमन कॉज सिम्टम ऑफ, द कॉमन सिम्टम अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम इज लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस फूलती है, जोर लगाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस फूलती है. सो क्या प्रॉब्लम है? आप सांस रोक नहीं पा रहे, यही है ना, क्योंकि एफर्ट लगाने के लिए तो रोकना पड़ता है, आप सांस रोक नहीं पा रहे, इसलिए जोर लगाते ही सांस फूल रही है, रोक नहीं पा रहे आप, यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर ब्रेथ प्रॉपरली टू मेक द राइट काइंड ऑफ एफर्ट. सही एफर्ट लगाने के लिए जितनी सांस रुकनी चाहिए वो आपकी क्षमता ही कम हो गई है. तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? उस क्षमता को बढ़ा लीजिए. ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जस्ट इंक्रीज दैट कैपेसिटी दैट यू हैव लॉस्ट. यू हैव लॉस्ट ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, दैट इज वाई बाय मेकिंग एफर्ट यू आर फीलिंग ब्रेथलेस, यू आर गास्पिंग फॉर ब्रेथ, यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर ब्रेथ. अगर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, इफ योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी हैज गॉन डाउन, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? यू शुड प्रैक्टिस ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, मगर उससे तो आप ठीक हो जाएंगे, वो क्यों करना है? नहीं. द थर्ड थिंग, रिदम. व्हेन यू आर डांसिंग, व्हेन यू आर सिंगिंग, जब गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, व्हेन यू क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कैसे कर रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग दैट, हाउ यू आर एबल टू मेंटेन अ रिदम, एक लय कैसे बरकरार रखते हैं, बाय
होल्डिंग द ब्रेथ इन वेरिएबल प्रपोर्शन, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप नाचते हैं, गाते हैं, चलते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे ठीक से, थोड़े में थक जाते हैं, इफ यू गेट टायर्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, व्हाट हैव यू लॉस्ट? आपका स्टैमिना कम का मतलब क्या होता है? वेरिएबल ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई है, अलग अलग अनुपात में सांस रोकने की क्षमता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय अंतराल में कम हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना? ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आया। एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना? सो दिस थ्री कंबाइंड टुगेदर, सम लय बल हैज बिकम वीक इन योर बॉडी, यू हैव टू इंक्रीज सम लय बल। द रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम वीक, यू हैव टू इंक्रीज द रिदमिक स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन कम आउट ऑफ एनी एंड एवरी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज। सो पहली बात ये, देन दिस इज फॉर श्योर, इफ यू आर डूइंग कुंभक योर हार्ट स्ट्रेंथ विल इंप्रूव, इजेक्शन फ्रैक्शन और आप जो भी नाम बोले वो सब ठीक हो जाते हैं। You don't need surgery, you don't need further surgery. If you have gone through surgery, अगर आपको surgery हुआ है, it is even more important to practice Kumbh. Urgently important. In fact, if heart attack has become the number one cause of death in the world needs Kumbh at this point of time. Whatever treatment they are doing, we say कि ठीक है, अभी जो भी narrative है, करो ना, मगर heart को मजबूत करो. Your life will improve, your quality of life will improve. You will be protected from further risk, not with medicine, क्योंकि risk तो आप जो treatment ले रहे हैं उससे आ रहा है। All right, so yes, like some people have mentioned, कुछ नया समझ आया, वो look at the problem that everyone is suffering from, और ब्रेथ होल्ड का भी बताया कि वही वीक है, शायद इसीलिए बोलते हैं कि बीपी वालों को ब्रेथ होल्ड नहीं करना चाहिए, हार्ट वालों को सांस नहीं रोकना चाहिए, बट अगर आप उस कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, सो लेट्स टेक द वेबिनार फॉरवर्ड, सो स्टे ट्यून्ड इन द वेबिनार, स्वामी जी विल ज्वाइन अस शॉर्टली, विल सेलेक्ट थ्री पीपल फॉर ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस, वो कौन होंगे जिनके कैमराज ऑन रहेंगे, कैमरा ऑफ होगा तो नहीं होगा। ओके, नाउ दिस विल बी अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, सो वो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं लोगों को, बट कैमरा ऑन रखेंगे, बिकॉज कैमरा ऑन रखने का मतलब है इन्वॉल्वमेंट, येस और नो, अभी क्या काम करने का मन नहीं करता, आज नहीं कल करूंगा, ऐसे ही होता है ना बीपी की कंडीशन में। हाँ, तो ये देखिए, इसमें हम लेवल की तो बात नहीं कर रहे, उस चीज की बात कर रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस में है, व्हाट इज देयर इन योर एक्सपीरियंस। ओके, सो अ पर्सन इन ब्लड प्रेशर लाइक कंडीशन विल ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स, सो डोंट पोस्टपोन योर स्विचिंग ऑन योर कैमराज। सो वी विल ऑल्सो सेलेक्ट, वी विल ऑल्सो हैव अ फ्यू पीपल, नॉट नाउ, एवरी वन विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट वील सेलेक्ट अ फ्यू पीपल, सो दैट विल हैपन, विल टेल यू अबाउट द कोर्स, एंड देन वी विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना, दिल में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सो विल ऑल्सो एड्रेस दोज क्वेश्चन, वी विल आस्क स्वामी जी टू आंसर दोज क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी टेक द वेबिनार फॉरवर्ड एंड जस्ट फॉर एज अ बेसिक समरी। ओके, वॉट इज द प्रॉब्लम एरिया, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, वॉट इज द प्रॉब्लम, some liable rhythmic strength of distribution, so what is the solution, re-establish it was already there, some liable usko dobara se sthapit karenge, bachpan se to kisi ko problem nahi thi, somewhere we lost it, right, so isko address karke kaun kaun si problems, ye sari listed nahi hai but by and large I'm spelling it out,
एंग्जाइटी, बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होगी, पैल्पिटेशन, स्लीप डिस्टरबेंस भी होता होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होती होगी, लो और हाई बीपी, प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉकेजेस, हाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन, लो हार्ट स्ट्रेंथ, कैड, एंजाइना, वैल्व स्टेनोसिस, मित्रल वॉल्व, अरिथमिया, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ओके, सो यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. What you need is commitment and patience, nothing else. Then the rest, we will teach you methods, okay? So impact of Kumbhak therapy, now this is 90-day data. So about 88 to 90% people feel more energetic. Jo abhi missing hai, to energy is the key to reversal. Aapka, aap apne aap to kuch nahi karte hain, aapke andar energy hoti hai, to aap sab kuch kar paate hain. So the same applies to your body, how it repairs itself. Then 67% report reduction in anxiety and fear, 93% reduced stress at multiple levels, 75% better digestion, 80% constipation relief, 78% acidity, reflux issue solved, better control over limbs, increased focus, better confidence level. And this should be very, very important to people who are suffering from blood pressure. Increased focus, 76%. बेटर कॉन्फिडेंस लेवल, मोर एफिशिएंसी एट वर्क, है ना मजेदार चीज. सो बिकॉज जो एम्बिशन वाला बंदा होता है उसको तो प्रेशर चाहिए, प्रेशर हमेशा ही लगाना पड़ता है, बट प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं वो भी. देन 80% बेटर स्लीप, 69% स्नोरिंग गॉन, सो देयर हाउ हस्बैंड्स और वाइव्स आर हैप्पियर, एंड 89% वेक अप फ्रेश. ओके, सो दिस इज अ 90 डेज डेटा. What happens to the remaining percent? So we say the therapy works. What is the success rate? Success rate is 100%. The only thing is, for some people it takes time, little longer than 90 days. For some people it can take a year, for some people a little longer than that. Jitni purani problem ya jitni badi problem, utna samay lagega, utna effort lagega. Now what makes Kumbhak therapy really efficient and one of its kind? So whenever you think ki mujhe BP heart problem kya hua hai, what are the common reasons that you can think of? Stress, eco, environment, jab kuch nahi bachta to bolte hain genetics, okay? And how will this one course, like I've said, multiple problems, issue of the system, how will this help in solving that? So we have a unique thing called, Swamiji has designed this, Pran Shakti diagnosis. इट इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस, कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज नो ब्लड टेस्ट टेल्स यू व्हाई द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड इन योर बॉडी, बट यू फिल अप अ फॉर्म वंस यू कम टू द कोर्स, यू फिल अप अ फॉर्म एंड दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस. आपके शरीर के बारे में आप ही सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन हु नोज अबाउट योर बॉडी. यू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, यू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट विद योर ब्रेथ, breath hold capacity, so on and so forth. You give it to us. This is shared with Swamiji. Based on this, what happens? So let's say 10 people, they might have blood pressure issues, but each one of them can have a different reason why they got into the blood pressure problem, because there are many aspects that run your system. There are almost 84 aspects required to run the human system. So one is, Swamiji is able to identify the weakest aspect which is causing the problem. Okay, so we help. इससे क्या होता है कि आपका जो सबसे कमजोर पक्ष है वो सामने आता है. हाँ, उस पक्ष, उसी डायग्नोसिस के बेस पे आपका जो आप सीखते हैं, what you will learn in the classes, that is changed. वो कस्टमाइज हो जाता है. Okay. So, आप पहले जनरल प्रैक्टिस सीखते हैं, सभी लोग, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस. सो एवरीवन विल गेट देयर ओन काउंट ऑफ इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज हाउ कस्टमाइजेशन वर्क्स. ओके, नाउ सिंस टू अक्टूबर 2020, मोर देन 1500 पीपल हैव जॉइंड द प्रोग्राम and revive their health back with Kumbhak. Would you like to listen to their stories? क्या आप उनकी कहानियां सुनने चाहेंगे? हाँ, इससे आपको confidence भी आएगा, भाई किसी को तो फायदा हुआ, एक तो मैं ही हूँ, तो मेरी भी जर्नी आपकी तरह ही है. एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक मेडिसिन से शुरू हुए, फिर दो पर आए, फिर तीन पर आए, और फिर
बोल दिया ये तो पूरी जिंदगी लेनी है, तो बट मुझे मंजूर नहीं था, सो आई लर्न कुंभक थेरेपी एंड नाउ वी आर टीचिंग इट टू पीपल. सो लेट मी प्ले अ शॉर्ट फिल्म एंड देन वी विल टेक द विल टेल यू अबाउट द प्रोग्राम. ओके, गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वुड लाइक टू हियर सच स्टोरीज. मैंने काफी चेंजेस नोट किए हैं. बीपी लेवल तो मेरा ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल से भी डाउन आ रहा है, तो मेरी मेडिसिन 1/3 हो गई है. काफी और चेंजेस आए हैं, जैसे कि वेट लॉस हुआ है, एनर्जी लेवल काफी हाई हो गया है, और कामनेस और पीस ऑफ माइंड है. इसमें यूरिन इनकंसिस्टेंसी में काफी बेनिफिट हुआ है. आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ बीपी एंड नाउ इट इज टोटली अंडर कंट्रोल. And my energy levels have gone up. I used to have a headache while when I was getting up. That headache is almost totally gone. तो नींद बराबर नहीं आती थी और जरा सी आवाज होने पर नींद में खलल पड़ता था, बहुत जल्दी मैं उठ जाता था, घबराहट फील होती थी. और उसमें बहुत सुधार आया है नींद में अब काफी. उसके बाद मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत होती थी स्टार्टिंग, लेकिन जब से कुंभक स्टार्ट किया तब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी काफी सुधार आया. कुंभक करने से मेंटली और फिजिकली काफी रिलैक्स फील हो रहा है और मैं अपने काम पे रेगुलर जो मेरा काम रहता है उस पर मैं अच्छा फोकस कर सकता हूँ. वो काम में मुझे आउटकम उसका अच्छा मिल रहा है. जैसे पहले फोकस नहीं रहता था काम में, थोड़ा हेडेक भी रहता था, अनइजीनेस रहता था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता था काम पर भी, तो इससे मुझे काफी फायदा हुआ है. और नींद भी साउंड स्लीप मतलब आ रही है मुझे, और बीपी में 10 mm ऑफ एचजी मेरा कंट्रोल हुआ है, और गिडीनेस भी मेरा कम हुआ है, और लेफ्ट हैंड में जो पेन थोड़ा रेडिएट होता था वो भी थोड़ा कम हो रहा है, और कफ और कोल्ड कोराइजा बार बार होता था मुझे तो वो भी कम हुआ है पहले से. माय इंटेंशन वाज टू प्रोएक्टिवली स्ट्रेंथन माय हार्ट बिकॉज़ माय फैमिली हैड अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट इश्यूज and I used to get some small pain sometime. So I joined this program along with my yoga, meditation and healthy habits and then kumbhak practice. Within 2 to 3 weeks itself, I could see that pain has completely gone. And it improved my, you know, confidence and also anxiety levels got reduced. I play intense games like football, badminton. 1 hour I play continuously and I'm 44 years old. None of the people in my age group think of playing football for 1 hour. So I played very, very comfortably. I think it has brought a lot of clarity in terms of reducing the pain, improving the stamina, and better sleep quality. Thanks to, you know, all the coordinators, Swamiji, for designing such a wonderful program. Directives diye gaye the BP ke liye. Uski wajah se mera balance bhi bigad gaya tha, sodium kam ho gaya tha, aur meri chaal bhi dagmagane lagi thi. लेकिन कुंभक करने के बाद आश्चर्यजनक रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मेरी कमर बहुत जो मेरी वीक थे मसल्स उसकी वजह से मैं परेशान था, कमर दर्द रहना, चाल में टेढ़ापन होना, वो सारा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है. और सीढ़ियों चढ़ने में मेरे सांस फूलता था, मैं सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेता हूँ, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है. ये सारे मुझे इतने अच्छे अनुभव मिले कि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इससे जुड़ा, और मैं चाहूंगा कि हर आदमी इससे जुड़े. एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन सब में कहीं कोई इलाज नहीं मिला. मैंने प्राकृतिक भी किया है, आयुर्वेदिक भी लिया है, पर जो मुझे यहाँ प्रोग्रेस डे वन से प्रोग्रेस जो नजर आई मुझे किसी और जगह नजर आई. ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक अ स्टोरी लाइक दिस फॉर योरसेल्फ, अपने बारे अपने लिए ऐसी कहानी कौन कौन बनाना चाहता है? वंडरफुल. तो आई इनवाइट राइट नाउ रितु शर्मा जी. शी इज द वन हु कंडक्ट्स द प्रोग्राम, शी इज द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. शी विल टेल यू क्विकली अबाउट द प्रोग्राम. ओवर टू यू रितु जी. नमस्कार एवरीबॉडी. सो अभी तक हमने देखा कि कुंभक थेरेपी क्या है, कुंभक थेरेपी से किस किस लोगों को फायदा हुआ है. तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे हम सिखाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी ऑनलाइन थेरेपी, जैसे हम अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात
कर रहे हैं उसी तरीके से हम आपको सेशंस में भी ये प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये टोटल जर्नी जो रहेगी वो रहेगी हमारे साथ 2.5 महीनों की लर्निंग जर्नी रहेगी। 45 दिनों में हम आपको कोर्स सिखाएंगे और 1 महीने का आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस इन द सेंस उस 1 महीने जो हमने प्रैक्टिस सीखी है उसको एक नए तरीके से एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपने सम लय बल के बारे में सुना, तो हमारी 3 प्रैक्टिसेस हैं जो हम आपको अपने कोर्स में सिखाएंगे, जिसका नाम है सम प्रवाह कुंभक, धनंजय कुंभक और वज्रहठा कुंभक। सो मान के चलिए कि ये 3 प्रैक्टिसेस इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि आपकी हेल्थ को एक नए लेवल पर ट्रांसफॉर्म किया जाए। सिम्टम लेवल्स पर आपको आपके जीवन में जो भी अनुभव होता है सुबह उठ के, हेडेक या बाकी डिफरेंट तरीके की समस्याएं जो आप अनुभव करते हैं, उन सब का सोल्यूशन इन प्रैक्टिसेस में है। ओके, सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस विल एस्टेब्लिश द सम लेवल एट ऑल लेवल्स ऑफ योर बॉडी। What are the simple things which these practices will achieve is these are specifically designed heart centering practices. So, जैसा कि आपने स्वामी जी को सुना, heart takes the impact of other non-organ functioning of your body also. तो ये practice directly benefit करती हैं आपकी cardiovascular health को, और ये cardiovascular health आपकी बाकी strength की body की strength को बढ़ाता है। There would be enhanced circulation in your body, which means efficient blood flow, efficient heart functioning. There would be an energy boost in your system, the lethargy, the procrastination, not able to get up, not feeling like doing anything. These kind of issues will start solving from day one once you start learning and doing these practices. Strength building, and most importantly, the important thing is ki aap inko office mein जाते हुए आप मैनेज कर सकते हैं। दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिसेस आप सुबह कर सकते हैं, कुछ आप शाम को कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से आप ये प्रैक्टिस ना कर पाए। सो ऑल फिटनेस फ्रीक पीपल और जो बिल्कुल भी बॉडी नहीं हिला पाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस कैन डू दिस प्रैक्टिसेस वेरी वेल सिटिंग एट देयर होम एट देयर कम्फर्ट। सो वीक 1 में हम क्या करते हैं, वीक 2, वीक 3, 4, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगी। हम सेशन की शुरुआत करते हैं प्री ओरिएंटेशन सेशन से, मतलब गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन। हर चीज को शुरू करने का एक तरीका है, उसके बारे में हम आपको प्री ओरिएंटेशन सेशन में बताते हैं। उसी दिन हम आपको प्राण शक्ति डायग्नोसिस के लिए आपको एक फॉर्म भेजा जाता है, उस फॉर्म में आप अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं और फिर हम आपका डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू करते हैं। इन बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम ओनली वी गिव यू सर्टेन डिटॉक्स मेथड विच हेल्प्स योर बॉडी टू एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दीज वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। सो देर वुड बी फर्स्ट लर्निंग सेशन, सम प्रवाह कुंभक हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद 3 प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगी, हर ऑल्टरनेट डे पर हम आपको मिलेंगे, और जिस दिन हम नहीं मिलेंगे उस दिन वो आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। फिर उसी तरह वीक 2 और वीक 3, इन तीनों वीक्स में हम आपको तीनों प्रैक्टिसेस सिखाएंगे और 3 प्रैक्टिस क्लासेस देंगे। चौथे वीक में हम इन्हीं तीनों प्रैक्टिसेस को रिव्यू करेंगे, पूरी तीनों प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करके देखेंगे और देखेंगे कि हम अब किस लेवल तक पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेज में आपका कस्टमाइजेशन होता है। तो कस्टमाइजेशन हर बॉडी का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है और इन्हीं ऑनलाइन सेशंस में ही आपको दिया जाता है। तो वी टीच यू कस्टमाइज मेथड्स, देयर वुड बी सर्टन डिफरेंट मेथड एंड देयर वुड बी चेंज इन द प्रैक्टिसेस विच यू हैव लर्न सो फार इन वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। आफ्टर कस्टमाइजेशन Again, we establish these practices in the 6th week by giving you 4 different extra practice sessions. And there would be a bonus in the next 1 month after learning these 45 days of practice. We again meet each week and do the practices all together. And this journey doesn't end here. Only the learning ends here. But this journey continues through a different program after. Okay. What is the bonus also other than this 1 month? You would have a Q&A session with Swamiji for your batch and for in the group session. There is a lifetime invite for Purnima sessions. And there would be in the end, we would review your progress from day 1 till date 45 or day 60. Like this, we will review your progress. This is the session flow. What is the way forward is this, we will all learn in this module in step by step manner.
वी विल प्रिपेयर योर बॉडी टू इंक्रीज द कुंभक ऑफ इट्स ऑर्गन्स एंड फंक्शंस. सो व्हाट इज वीक इन योर बॉडी? योर कुंभक इज वीक. ओके, यू आर नॉट वीक, योर कुंभक इज वीक. सो वी विल प्रिपेयर योर बॉडी विद दीज थ्री सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड गिव योर सिस्टम टाइम टू इंक्रीज इट्स हीलिंग एबिलिटी. दैट्स द मेन थिंग विच एवरीबॉडी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज यू नीड टू गिव द स्ट्रेंथ टू द एंटायर सिस्टम, नॉट जस्ट योर वन ऑर्गन. सो लर्न प्रैक्टिस, दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर लर्निंग द कुंभक थेरेपी. दिस इज द प्रोग्राम टीम. Swami ji has designed this program. He does the Pran Shakti diagnosis and offer you the customization module. You have heard Navneet ji. He is our chief mentor and oversees the program delivery. Myself, Ritu Sharma, along with me, we have two very strong ladies managing your heart condition, Poonam and Leena. And along with Poonam and Leena, we have a support team who works on technical thing, who works on sales and calling support. And there is a Vaidya and Siddha support also to help you, to give you support externally as and when you need it. What would be the class experience? As you can see in this photo, this is how we view you. This is how we pin you and spotlight you while you do the practice. And there is a team who look the way you are practicing in the session. So there would be a live group session on Zoom, not every day as per schedule. Schedule would be shared to you well in advance. It would be updated in the WhatsApp group also. You can attend through laptop or mobile. The duration of the session would be 60 minutes plus Q&A. As we are making you learn this, it might take some more time. However, when you do the practice on your own, it takes very less time. So the sessions are conducted in Hindi and English, both. Both the instructions are given to you in Hindi and English. Session recordings are available to you for another 6 months. Demo audios, demo videos, the points to take care, Swamiji's wisdom, Swamiji's discourse is all part of the video access, which would be shared to you. And you can have 6 months access to that. Instructions for all the practices would also be given in English and Hindi both. Sari dono languages mein aapko instruction milegi. Har kisi ko individual attention milta hai batch class mein bhi. Ye hamare sessions ki sabse khoobsurat baat hai. Hum aapki practice session aapko guided way mein karwate hain. Aapke doubts solve karte hain. Doubt solve karne ke liye various support options are available to you. You have WhatsApp group support. You have mentor support. You have mentor connect time specifically for your batch in the morning and evening both. You have phone calls or video calls, and there's a lot of hand holding of participants at various levels. So there are two batch options available in consideration of your office and other engagements. There is a morning batch which starts from September 30th and which from 6:30 a.m. to 7:30 a.m. Then there is also an evening batch, same day, 6:30 p.m. and to 7:30 p.m. Pre-orientation for both the batches will happen on Sunday, September 29th, 7 a.m. Okay, so till September 29th, on September 29th, we will give you the exact guidelines and instructions how to carry out this journey forward. Okay, so this is the only and only program for empowering you and to find out the reasons which are causing BP and heart condition in your body. We focus on real problems, means we strengthen the organs and the functioning of your body. So through Pran Shakti diagnosis, which is the pillar of our Kumbhak therapy, which is specifically done for individual body, focuses on your real problem. Once this real problem is addressed, all the linked chains are solved. You will get a personalization solution for your problem. It not only lowers the risk of your current issues, but it lowers the chance of future complications also. So in nutshell, you will get a healthy and robust system against any and any health problem. So what is the investment which you need to make in this program is one-time program fee for 8999 for 75 days, means 2.5 months of journey. You can scan and pay through this RazorPay link, and we will share this in the group also. There is a bank transfer option available also. We will share that also in the group. Please note that once you enroll for this program, we handhold you and ensure that you sail through this journey
And so there would be no refunds, no discounts, and no batch shifts. Once you enroll, you are there with us for next 75 days and more. Now I'm opening a poll in which you can fill that whether you are interested or you have more questions. Our sales and calling team will call you, will address your queries, will ensure that you are joined in a correct Kumbhak therapy program. And you can save these numbers also. I would appreciate if you can fill this poll right now, as you have already invested almost more than 60 minutes in this free webinar for Kumbhak therapy. Please take a few minutes more and fill this feedback form. All those who are present here can take this time to chat also your questions, your specific question. Before we put Swamiji on spotlight and he starts doing the live diagnosis for you, this is the time so that you can ask your question, and then these questions would also be addressed later once we do the live diagnosis. You can save these numbers. You can use the group chat also for raising your questions in Hindi or English, both the languages. You can also leave your numbers in case you don't want to address here. You can leave your numbers and our team will call you at the time which you have chosen for yourself, and then we will help you to solve your queries. Okay. So I'm getting the scanner one more time for your easy reference, though it's been shared in the chat and in the WhatsApp group through which you have joined this webinar. Yeah. Okay, so what does Kumbhak mean exactly? We have just spent 1 hour trying to explain how it is part of your daily life, how you use it, and how Kumbhak therapy is the only way